नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिल पाए। आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार इस बार देश के अंदर दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही, और मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश के अंदर बेरोजगारी और देश के अंदर गरीबी को दूर करने का। और बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए मोदी सरकार ने देश के अंदर काफी स्कीम लॉन्च की, चाहे वो आधार कार्ड बेस्ड स्कीम हो, चाहे वो चाइना के साथ बाइक का करार हो, चाहे वो चाइना के साथ मोबाइल का करार हो, या चाहे पेट्रोल के कीमत को गिराने का विचार हो। चलिए इन स्कीमों के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं मोदी सरकार की स्कीम के बारे में। अगर देश की सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो आज राष्ट्रपति दे रहे थे भाषण, राहुल गांधी करते रहे ऐसा काम, लोग बोले कब सीरियस होगा ये आदमी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार के एजेंडे को देश के सामने रखा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार न्यू इंडिया की नींव रखी। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपना मोबाइल चलाते कैमरे में कैद हो गए, और वहां पे बैठे लोगों ने कहा कि कब सुधरेगा ये शख्स। तो ये बात करते हैं वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी खबर के बारे में। अगर वैज्ञानिकों की नासा की बात की जाए तो हमारे पृथ्वी जैसे दो ग्रह खोजने का वैज्ञानिकों ने किया दावा, यानी भारत के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी जैसे दिखने वाले दो ऐसे ग्रह हैं जहां पे जीवन संभव है, या वहां पे भी ऑलरेडी जीवन हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है। बहुत जल्द इन ग्रहों पे जाने की तैयारी होने वाली है। चलिए बात करते हैं राहुल गांधी के इस्तीफों के बारे में। राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़िंग, अशोक गलत बन सकते हैं अगले कांग्रेस के अध्यक्ष। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफे देने पर अड़े हुए हैं, और वो इस्तीफा देकर जो चाहते हैं कि अशोक गहलोत बने अगले कांग्रेस के अध्यक्ष, और पार्टी लगातार मंथन के दौर में जारी है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है। चलिए बात करते हैं मोदी सरकार के नए जो है मोबाइल मिशन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि मोदी सरकार ने चाइना के साथ मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी के तहत मोटोरोला वन विजन आज लॉन्च हुआ है। सेम प्राइस में गैलेक्सी M40 भी, दोनों की खासियत आप बता सकते हैं कि मोटोरोला वन विजन और गैलेक्सी M40 आज मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। दोनों की कीमत 19,999 रुपए के करीब बताई जा रही है शुरुआती कीमत। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 30 जून को इंग्लैंड के खिलाफ नए रंग की जर्सी में नजर आएगी टीम इंडिया। आपको बता दें कि टीम इंडिया ब्लू से ऑरेंज जर्सी के अंदर नजर आने वाली है 30 जून को होने वाले इंग्लैंड के खिलाफ मामले में, और ये जर्सी काफी जबरदस्त होगी। जबरदस्त जर्सी को देखने के लिए 30 जून को इंग्लैंड के साथ मैच को देखना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की एक और खबर के बारे में। चुनाव में मिली हार के बाद भी राफेल पर नहीं बदला राहुल गांधी का रुख। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी राफेल के प्रति अपना रुख बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए ये थी आज की देश की सबसे बड़ी खबर। अब नजर डालते हैं मोदी सरकार की कुछ स्कीमों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश के अंदर दोबारा अस्तित्व में आने के बाद काफी स्कीमें लॉन्च की है। देश के गरीब नागरिक जिनके पास आधार कार्ड है और जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में जो है आने वाले हैं सालाना 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए। आपको बता दें कि इस धनराशि को पाने के लिए आपको नजदीकी कंप्यूटर सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप अपने आधार कार्ड के पीछे एक 1800 स्टार्ट मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके मिस कॉल करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि बहुत ही जल्द हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से चाइना के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की, तो चाइना के साथ काफी बाइक समझौते हुए, बाइक को लेकर काफी बड़े जो करार हुए। आपको बता दें कि इंडिया के अंदर जो आप डिस्प्ले के अंदर देख रहे हैं चाइना की ये स्पेशल बाइक, दमदार बाइक जो आज तक इंडिया के अंदर नहीं है, बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है, जिनकी शुरुआती कीमत 9,999 रुपए बताई जा रही है, यानी आपको 10,000 रुपए में जो है बाइक मिलने वाली है। ऐसा ही कुछ समझौता चाइना के साथ मोबाइल स्कीम को लेकर हुआ है। देश के अंदर सस्ते मोबाइल प्रोवाइड करने के लिए मोदी सरकार ने जो चाइना के साथ समझौता किया है, इसके दौरान सभी नागरिकों को शुरुआती कीमत मोबाइल 1000 रुपए में आपको 5G मोबाइल मिलने वाला है, जो टच होगा और जो पूरी तरह से डिजिटल बेस्ड होगा, और पूरी तरह से जो मोबाइल काफी जबरदस्त होगा। ये मोबाइल की शुरुआती कीमत 999 रुपए बताई जा रही है। चलिए बात करते हैं पेट्रोल के बारे में। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो देश के अंदर पेट्रोल की प्राइस लगातार गिरते जा रही है। आज 30 पैसे की जो है पेट्रोल के अंदर कटौती अंकित की गई, और साथ में एक बड़ा मोदी सरकार ने ऐलान किया कि पेट्रोल पंप पे उन लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा जो दुपहिया वाहन पे अपना हेलमेट यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी योजना ये थी आज की देश की सबसे बड़ी खबरें और मोदी सरकार की योजना के बारे में। आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पब्लिक टुडे न्यूज स्वतः आपसे गुजारिश करता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज डेली पाने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट खबर, बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए।